इसके लिए आप बहुत ही हाई लेवल के बवाल के लिए तैयार रहिए। देखिए अभी तक कंप्लेंट नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जो खाना है अगर गलत बना भी है तो वो गेस्ट के टेबल तक नहीं पहुंचा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करता था, या तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको जो मैंने पांच चीज़ें बताई। अच्छा भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? देखिए अगर आज का ये वीडियो आप लोगों ने ये सोच करके ओपन किया है कि मैं आप लोगों को कोई मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ टू सॉल्व दिस सिचुएशन, सो आई गेस यू आर इन अ रॉन्ग वीडियो। देखिए ये जो कंप्लेन है, मतलब कि ये जो सिचुएशन है कि किसी गेस्ट ने आपसे वेजिटेरियन खाना मांगा एंड यू हैव सर्व्ड हिम और हर अ नॉन वेजिटेरियन फूड और इवेंचुअली उस गेस्ट ने खाना खा भी लिया, तो ये जो कंप्लेन है बहुत ही बड़ा कंप्लेन है और इसके लिए आप बहुत ही हाई लेवल के बवाल के लिए तैयार रहिए। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा मोस्ट फ्रीक्वेंटली हैपनिंग कंप्लेन नहीं है। आप इफ़ यू गो टू अ गुड रेस्टोरेंट और अ गुड होटल ये सब कंप्लेंट्स होती नहीं है, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ हाई लेवल ऑफ नेग्लिजेंस या हाई लेवल ऑफ केयरलेसनेस। बड़े अनप्रोफेशनल लोग अगर होंगे आपके साथ तभी ये कंप्लेन होगी, वरना जनरली ये कंप्लेन नहीं होती है। बहुत सारे होटल्स जो हैं उनके लाइसेंस कैंसिल हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, सो यू कंसिडर दिस टू बी अ वेरी वेरी सोफेस्टिकेटेड सिचुएशन। यहाँ पर आपके कोई भी आई एम रियली सॉरी सर, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज सर, लेट मी रिप्लेस योर डिश, लेट मी गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट, ये सब चीज़ें जो है नहीं चलने वाली। सर आपने किसी ऐसे गेस्ट को खाना सर्व कर दिया जिसने अपनी पूरी लाइफ में नॉनवेज खाना तो छोड़िए उसको देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, देन यू प्रिपेयर फॉर अ वर्ल्ड वॉर, मतलब नॉट वर्ल्ड वॉर, देन यू प्रिपेयर फॉर अ सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। और इस केस में जो भी डिसीजन लेना है वो गेस्ट लेगा, अगर गेस्ट शरीफ होगा, समझदार होगा। वैसे समझदारी की बात नहीं, गलती आपकी है, लेकिन फिर भी अगर गेस्ट का थोड़ा दिमाग सेंसिबल हो गया, आप लोगों पे दया आ गई, तो वो छोड़ सकता है, वरना दिस इज अल्टीमेटली गेस्ट कॉल, वो कुछ भी कर सकता है, तो यू हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो आज के इस वीडियो में आपको तरीका बताता हूँ कि हाउ कैन यू अवॉइड कमिंग टू और ड्रॉपिंग टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। नंबर वन तरीका है कि व्हाइल यू आर टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द गेस्ट, आपको बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान से उनका ऑर्डर लेना है, प्रॉपरली जो भी उन्होंने ऑर्डर किया आपको बताना है ये वेज है या नॉन वेज है। ऑल्दो मेन्यू के अंदर सब कुछ लिखा होता है, बट स्टिल फ्रॉम योर ओन एंड आपको बताना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आता है कि ये वेज है या नॉन वेज है, और बहुत सारे लोगों को वो मेन्यू का रेड डॉट या ग्रीन डॉट या वेज साइन नॉन वेज साइन नहीं देते, लोग ऑर्डर कर देते नाम पकड़ के, जैसे मेथी मगज है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला है कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैम्ब डिश, बट हम तो होटल मैनेजमेंट के हैं तो हमें पता चल जाता है, बट फॉर अ नॉर्मल पीपल जो जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने उनको पता नहीं होता है। सो व्हाइल यू आर टेकिंग द ऑर्डर यू हैव टू नाइसली टेक द ऑर्डर, जहाँ पर कि आपने इत्मीनान से गेस्ट की बातें सुनी, ऑर्डर कन्फर्म किया, रिपीट किया ऑर्डर को कि सर आपने ये डिश जो है वो ऑर्डर करी है। बींग अ वेटर ये आपका पहला काम है, और बींग अ सर्वर ये आपका पहला काम है, यू हैव टू टेक द राइट ऑर्डर। देखिए ऑर्डर लेने के बाद अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, जो दूसरा प्रोसेस होता है कि आपको ऑर्डर जो है कंप्यूटर के अंदर में इंटर करना पड़ता है, हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है एंड यू हैव टू इंटर वॉट एवर ऑर्डर यू हैव टेकन टू दैट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको जो है ऑर्डर सही पंच करना है, हम पंच करते हैं ऐसे होटल इंडस्ट्री बोलते हैं, सो वी हैव टू पंच द राइट ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि हमने पनीर कढ़ाई का ऑर्डर लिया सही, गेस्ट से रिपीट भी सही करा, बट जब हम कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर के अंदर में इंटर करने आए तो हमने पनीर कढ़ाई की जगह पर चिकन कढ़ाई डाल दिया, सो देन दिस इज आवर फॉल्ट। तो हमें अपनी गलती बचानी है, बाद में लोग कैसे बना रहे नहीं बना रहे दैट इज देयर प्रॉब्लम, बट फ्रॉम आर एंड वी हैव टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। तो हमने नंबर वन सही ऑर्डर लिया, और नंबर टू वी हैव पंच द राइट ऑर्डर, मतलब हमने कंप्यूटर के अंदर में सही ऑर्डर जो है पंच किया विद द करेक्ट टेबल नंबर्स एंड स्टफ्स। तो यहां पर बींग अ सर्वर और बींग एन ऑर्डर टेकर आपकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो गई है। अभी तीसरा प्रोसेस क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ जो नहीं जानते हैं। जैसे ही आपने एंटर दबाया, मतलब आपने जैसे ही डन किया उस ऑर्डर को, तो ये जो आपका ऑर्डर है वो किचन के अंदर में चला जाता है, और किचन के अंदर में कैसे जाता है, किचन के अंदर में एक मशीन लगी होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटी मशीन या क्यूटी प्रिंटर, मतलब किचन ऑर्डर टिकट। आपने जो भी ऑर्डर पंच किया है वो किचन के अंदर में जो मेन शेफ का जो एरिया होता है रेंज पे जहाँ पर खाना पिकअप होकर रखते हैं हम लोग, वहाँ पर एक मशीन लगी होती है और उससे एक रिसीट निकलता है। रिसीट में वो सारे डिशेज विथ एक्सप्लेनेशंस, मतलब मिर्च ज़्यादा चाहिए, नमक कम चाहिए, अगड़म बगड़म जो भी है, विथ होल एक्सप्लेनेशन वो जो रिसीट है वो प्रिंट होती है। तो प्रिंट होने के बाद जो भी शेफ इंचार्ज होता है हमारा वो उस क्यूटी को फाड़ता है, उसके अंदर टेबल नंबर वगैरह सब लिखे होते हैं, एंड नाउ वो जोर से जो भी उनके लाइन कुक्स हैं जो खाना बना रहे हैं रेंज के ऊपर में, मतलब जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको वो बोलता है कि हाँ एक चिकन मखनी है, एक पनीर कढ़ाई है, एक अंडा बिरयानी है, एक ऑमलेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वॉट एवर इज़ द ऑर्डर वो रिसाइड करता है। तो यहाँ पर शेफ़ की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं रही, अभी F&B वालों की जिम्मेदारी नहीं रही, यहाँ पर अभी जो शेफ़ हैं
वो क्या करेंगे कि उनको सही ऑर्डर पढ़ना है। अगर शेफ ने चिकन पनीर कढ़ाई लिखा है, चिकन कढ़ाई बोल दिया, तो यहाँ पर द शेफ हैज अ फॉल्ट, यू एज अ सर्वर वर राइट, बट नाउ यहाँ पर शेफ सही होना चाहिए। अभी शेफ ने भी, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सही ऑर्डर करा और जो लाइन शेफ्स हैं उन्होंने भी सही सुना एंड दे हैव प्रिपेयर्ड द डिश। अभी क्या होता है होटल में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, एक जो बंदा होता है, एक वेटर्स ही हो गए या कोई भी पिकअप वाले एक वेटर होते हैं, जिनका काम होता है किचन से बना हुआ खाना पिकअप करके टेबल तक पहुंचाना, एक बंदा असाइन होता है उस काम के लिए। अभी क्या होता है, ये जो मेन शेफ्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है टेबल वाइज कि टेबल नंबर 10 है, 12 है, 14 है, जो भी टेबल है उस टेबल के वाइज उस खाने को वो देते हैं, वो देखते हैं कि विद प्रॉपर गार्निश है कि नहीं उसके ऊपर में। हर डिशेस का लगभग एक अलग अलग गार्निशिंग होती है और बहुत सारे डिशेस जो हैं आपको पता नहीं लगेगा ग्रेवी के अंदर में वो पनीर का टुकड़ा है या चिकन का टुकड़ा है, वो आपको पता नहीं चलता। तो इट इज़ द शेफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आपको करेक्ट जो फूड है वो पिकअप वाले बंदे को देंगे। अब जो पिकअप वाला बंदा है वो ट्रे लेकर के खड़ा है और वहाँ पर ही विल पुट द डिशेस, वो ट्रे के अंदर में डालेगा एंड देन ही विल गेट इनसाइड द रेस्टोरेंट, खाना वेटर तक पहुँचाने के लिए जिसको खाना इवेंचुअली सर्व करना है टेबल के ऊपर में। अभी देखिए, अभी यहाँ पर एज अ वेटर आप सही थे, आपने सही ऑर्डर लिया, आपने सही ऑर्डर इंटर किया सिस्टम के ऊपर में, तो यहाँ पर दो प्रोसेस सही हो गए। अभी शेफ ने सही पढ़ा के उठी और उसने सही जो है खाना ट्रे में रख करके उस पिकअप वाले वेटर को दे दिया। अब वो जो पिकअप वाला वेटर है वो टेबल मतलब ट्रे उठा करके वो रेस्टोरेंट के अंदर में जा रहा है। अब नाउ ये जो पिकअप वाला वेटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाने को सही टेबल पर पहुंचाने के लिए। अब अगर वो 10 नंबर की जगह 12 नंबर पर पहुंच गया, 12 नंबर की जगह 14 नंबर पर पहुंच गया, तो यहां पर गलतियां हो सकती हैं। तो वो जो वेटर है पिकअप वाला वेटर वो पहुंचेगा किधर, जिस टेबल का वो ऑर्डर होगा, अब हमने वहाँ पर वो ट्रे जो है वो रख दिया। अब वो बंदा जो है वेटर, उसने बता दिया कि बॉस तुम्हारे टेबल का खाना आ गया एंड नाउ दैट वेटर हैज़ गॉन बैक टू द किचन, वो चला गया किचन के अंदर में। अभी क्या होता है कि वापस से वो जो वेटर है जिसने ऑर्डर लिया था या जो भी खाना सर्व कर रहा है उसके हाथ में ये सिचुएशन आ गया। देखिए अभी तक कंप्लेन नहीं हुई है क्योंकि अभी तक आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक जो खाना है अगर गलत बना भी है तो वो गेस्ट के टेबल तक नहीं पहुंचा है। So, अभी तक कंप्लेन नहीं हुए। अभी हम क्या करते हैं कि जनरली जो किचन की जो रिसीट की मैंने बात की थी जो प्रिंट होता है उसके दो कॉपीज निकलते हैं, तो एक कॉपीज उस वेटर के पास होता है पिकअप वाले के पास और एक कॉपी शेफ के पास होती है। तो जनरली क्या होता है होटल्स वगैरह में कि वो जो क्योटी होती है वो भी वो ट्रे में रख के लेके आता है सो दैट हम चेक करके कि हाँ पनीर कढ़ाई चिकन कढ़ाई हम ऑर्डर वगैरह मिला करके देन वी अप्रोच टू द टेबल जहाँ पर कि हम सर्व करने जाते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करता था या अभी भी इफ़ आई get a chance to serve any of the guests which I follow till date also, कि मैं जब भी dishes को अपने हाथ के अंदर में उठाता हूँ चाहे वो vegetarian है या non-vegetarian dish है, मैं हमेशा उस dish का नाम बोलता हूँ and I always say veg or non-veg। मे बी आप लोगों को फनी लगे कि मैं बोलूँगा टेबल पर जाकर के पनीर कढ़ाई vegetarian, everybody knows that पनीर कढ़ाई is vegetarian, but just to take an attention of the guest कि हाँ हम वेज खाना सर्व कर रहे हैं या नॉन वेज खाना सर्व कर रहे हैं, चिकन बिरयानी नॉन वेजिटेरियन, आई विल ऑलवेज से इट अलाउड, मतलब वहाँ पे मैं जोर से बोलूँगा सो दैट कि अगर गेस्ट ने ऑर्डर नहीं करा होगा, हमसे ही कुछ गलती हो गई है, तो हम वहाँ बोल करके ही इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। आप देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि गेस्ट के टेबल पर खाना गया, जब तक गेस्ट ने उस नॉन वेजिटेरियन खाने को गलती से नहीं खा लिया है तब तक वो कंप्लेन जो है बड़ा कंप्लेन नहीं है। सो यू हैव टू बी यू नो फोकस्ड इन ईच एंड एवरी स्टेप वाइल यू आर सर्विंग, बिकॉज यू नो हम बोलते हैं कि वेटर की जॉब बड़ी ईजी है बट बहुत डिफिकल्ट होती है और कभी कभी हम बहुत ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर से निकलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमने क्या किया कि खाना जो है हमने बोला भी कि हाँ वेज है नॉन वेज है, हमने खाना जो है टेबल पर रख दिया। देखिए अभी क्या होगा कि हम मान लो सर्व कर रहे हैं खाने को, हमने कांटे चम्मच से सर्विस गियर से उसको निकाला, हमें पता है कि इसने पनीर कढ़ाई ऑर्डर किया है, लेकिन मान लीजिए कि शेफ ने गलत खाना दे दिया या पिकअप किसी की भी गलती है हमारे पास गलत खाना आ गया, सो व्हाइल वी हैव यू नो टेक इन द पीस आउट ऑफ द स्पून एंड फोक, हमें पता चलेगा कि बॉस ये तो पनीर है ही नहीं ये तो चिकन है, तो हमने वहीं से हटा लिया उस खाने को, बोला आई एम सो सॉरी आई गेस इट्स अ रॉन्ग ऑर्डर, तो वहीं पर गेस्ट को लग जाएगा कि अच्छा हमारे पास तो खाना आया नहीं अभी तक नॉन वेजिटेरियन। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जब तक गेस्ट के पास खाना सर्व हो गया और गेस्ट ने खा नहीं लिया तब तक ये कंप्लेन जो है बड़ा कंप्लेन नहीं है, लेकिन एक बारी गेस्ट ने वेजिटेरियन ऑर्डर करा था और आपको आपने उसको नॉन वेजिटेरियन खिला दिया और गेस्ट ने खा लिया, फिर ये जो कंप्लेन है बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको जो मैंने 5 चीज़ें बताई, नंबर 1 ऑलवेज टेक द करेक्ट ऑर्डर, ये रिपीट करो गेस्ट के सामने, दूसरा ऑलवेज पंच द राइट ऑर्डर इन द सिस्टम सेकंड प्रोसेस, तीसरा जो शेफ है वहाँ पर खड़ा हुआ उसने सही क्यूटी पढ़ी
और उसने सही खाना आपको पिकअप करा कर दिया, और चौथा जो पिकअप वाला बंदा है उसने सही खाना ला करके सही टेबल पर छोड़ा, और पांचवा वापस उसी वेटर ने खाने को सही जा करके टेबल पर सर्व कर दिया, टू क्रॉस चेक। अगर आप ये पांच चीज़ फॉलो करोगे अपनी लाइफ में तो बिलीव मी ये कंप्लेन जो है आपके पास लाइफ में कभी भी नहीं आने। हमें कोई हक नहीं है किसी के रिलीजन के साथ खिलवाड़ करने का। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, आप फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।